राजधानी दिल्ली में वेदर का डबल अटैक जारी है। एक बार फिर राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक क्रिटिकल कैटेगरी में पहुंच गया है। वहीं तापमान में मंगलवार को 3 डिग्री और बुधवार को 1 डिग्री गिरावट के बाद लोगों की मुश्किलों को और टेम्परेचर ने बढ़ा दिया। एक साथ मौसम की इस बेरुखी को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को न केवल प्रदूषण से बचकर रहने की जरूरत है बल्कि तापमान में गिरावट को देखते हुए शुरुआती ठंड की चपेट में आने से भी बचने की आवश्यकता है। आपको बता दें, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कल से कम है। न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की कमी आई है। बुधवार को औसत तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे कम है। मंगलवार को सीजन का सबसे कम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था।